यहाँ से हम ऊपर अब जाएंगे। गाइस ये कुछ फैंस मुझे मतलब कहाँ से बताओगे सौरभ जोशी ये भाई सौरभ जोशी के यहाँ से जो हमारे इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर है हल्द्वानी कोसी नदी और एक मेहरोली नदी मिलती है वहाँ पे चला जाता है। सो हे व्हाट्सअप गाइस कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस अपने उत्तराखंड के अंदर। सोचो कौन सी जगह होगी आप बता। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हमारे उत्तराखंड का गुलर बोस डैम। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने आपको अपना टुमरिया डैम दिखाया था जो आपने देखा था और आप लोगों ने वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद भी किया था, लाइक भी किया था। बट आज का जो डैम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है हमारे उत्तराखंड का रियो समुद्र महासागर, उत्तराखंड का ओशियन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुलर बोस डैम। आज का वीडियो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या चीज हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके साथ। और यहां से हम ऊपर अब जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के ओशियन में, द बिग ओशियन में। आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो ये हमारा गुलर बोस डैम, उत्तराखंड का फेमस गुलर बोस डैम। आपने लास्ट वीडियो में देखा था टुमरिया डैम, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा डैम है। और ये जो डैम आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ, अभी पूरा डैम आपको दिखाता हूँ, पूरा हम घूमते इसको और आगे तक देखते हैं। तो गाइस फाइनली आज मैं अपने डैम पे आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं पूरी फैमिली हमारे पीछे है। आज मैं अपने ससुराल में आया हूँ, इनसे तो आप मिले हैं, विवेक से पुराने वाले, आप मेरे कुछ वीडियोस देखिएगा वहाँ पे विवेक मेरे साथ हैं जब हम लोग रामनगर घूमने के लिए थे हनुमान धाम मंदिर। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ कौन कौन मेरे साथ। पहले मैं आपको मिलवाता हूँ साले साहब से, हमारे बड़े वाले साले साहब है, वहाँ पे हमारी छोटी बेटी है और पीछे हमारी भाभी जी है, आप देख सकते हो पीछे हमारी छोटी बहन है और इनसे मिले हैं आप, मिलाने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। एक हमारी नई छोटी बहन है, इनसे आपको मैं पहली बार मिला रहा हूँ, और साथ में है विवेक, इनसे आप पुराने वाले वीडियो मिल चुके हैं, नहीं मिले तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पुराने वाले वीडियो देखिए वहाँ पे। तो आज गाइस हम लोग एक्सप्लोर करने के आए हैं अपना उत्तराखंड का गुलर बोस डैम, आपको दिखाएंगे कितना बड़ा कितना विशाल ये डैम है। देख सकते हो मेरे पीछे अभी एक ही बैक व्यू आ रहा है, अब मैं आपको थोड़ा फ्रंट व्यू दिखाता हूँ कितना विशाल ये डैम है। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा डैम है ये, और यहाँ का पानी देखिए आप कितना ज्यादा साफ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध जल, बिल्कुल प्योरीफाई। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको क्या दिखाई देगा, पानी पानी और सिर्फ पानी। और इस पानी के बाद हमारे सारे जंगल बढ़ते हैं, गाइस हमारी बोटिंग भी चल रही है, भारत का झंडा लगा रखा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये यहाँ का व्यू आप अभी देख रहे हैं, बाकी ट्रैक देखिए यहाँ का ट्रैक कितना अच्छा है विजिट के लिए, जो हमारा थोड़ा टुमरिया डैम था वहाँ का ट्रैक आपने देखा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना टूटा फूटा मैं कह सकता था, ऐसा कुछ था, मतलब कच्चा ट्रैक है। बट ये अभी सरकार ने हमारा पूरा अच्छी तरीके से बनवाया गुलर बोस डैम, और सारा ट्रैक आके बहुत अच्छा है। आप यहाँ विजिट करने के लिए आइए, बहुत ज़्यादा सफाई यहाँ पे, आप पीछे तक देख सकते हैं मेरे व्यू, बड़े बड़े कॉटेज यहाँ पे बने हुए फोटो वगैरह खिंचाने के लिए। वहाँ पे आई थिंक वो गेस्ट हाउस जैसा कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है, लग तो गेस्ट हाउस सारा है। और नीचे आपने पार्किंग देखी, अगर आप लाते अपनी गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं, और खाने पीने की व्यवस्था भी छोटे मोटे स्टॉल वगैरह भी है। और गाइस अगर आप लोग घुड़सवारी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे घुड़सवारी भी हो रही है, आप छोटी सी राइड का अपना मज़ा लेना चाहते हैं घुड़सवारी के राइड का मज़ा भी ले सकते हैं, घुड़सवारी भी यहाँ पर हो रही है। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया आज ना गाइस, थोड़ा मौसम ठंडा सा हो रहा है, तो अभी आप देख सकते हो कितनी ठंड यहाँ पर है, बट व्यू असली वाला यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आके कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ आगे का हमारे व्यू किस तरीके का आ रहा है, थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ पे व्यू अपने चल के देखते हैं, चलें। तो आगे हम चलते हैं वहाँ का व्यू चल के देखते हैं कैसा लग रहा है व्यू आगे का। यहाँ पे आगे गाइस मुझे अपना एक बार जब मैं श्रीलंका गया था, मैं श्रीलंका में 3 साल था, तो वहाँ पे मैं अपना गॉल फेस बीच पे गया था, तो वहाँ की मुझे फीलिंग जैसी आ रही गॉल फेस पे जाके, तो सेम वहाँ पे भी ऐसे माहौल अपना रहता है गॉल फेस पे, जैसे एक बीच वाला माहौल अपने रहता है,
चारों तरफ जब जो हमने पर्यटक होते हैं, लोग होते हैं, टहलते रहते हैं, तो सेम फीलिंग वैसी यहाँ पे अपना गुलाबोल डैम में आके आ रही है। तो अमेजिंग डैम है, बहुत ही सुंदर डैम है, तो विजिट करने लायक जगह है। और आप चाह रहे हो थोड़ा घूमने फिरने, तो यहाँ पे आओ, अपना घूमने फिरने हिसाब से पूरा दिन निकाल के आओ, पूरा विजिट करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके। एक आई थिंक ये नीचे बना है यहाँ पे, ये भी मुझे कुछ गेस्ट हाउस जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है। और पीछे आप देखोगे काफ़ी हरियाली टाइप के, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे गाइस यहाँ का ट्रैक बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमारा वॉकिंग ट्रैक है, बहुत ज़्यादा। तो मरे डैम का ट्रैक थोड़ा आपने देखा था, कच्चा था बहुत ज़्यादा, बरसात के दिनों में आप वहाँ पे गाइस आ ही नहीं सकते हो। बट यहाँ पे तो ट्रैक अमेजिंग है, मतलब बहुत इसको अच्छा जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, बहुत सुंदर बनाया गवर्नमेंट ने। बहुत ज़्यादा सफाई, तो बहुत ज़्यादा सफाई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा अभी हम आगे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ मैं आपको बोल रहा था, स्टॉल वगैरह भी छोटे मोटे लगे, आपने मैगी खानी, यहाँ पे मैगी का मज़ा ले सकते हो आप। बोर जलाशय जहाँ से वाटर कंट्रोल किया जाता है, और इसके अपोजिट साइड अगर आप देखोगे नीचे, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा नीचे का, गार्डन बने बहुत अमेजिंग, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितने सुंदर गार्डन है, अमेजिंग व्यू आ रहा है। और आगे वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ोटो शूट आप करा सकते हैं जाके, बहुत ही अमेजिंग है। और जो पीछे की तरफ भी आप देखोगे गाइस, आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ों में आ गए हो, जंगलों में आ गए हो, सारी अपना जो बड़े बड़े ईंटे रहते हैं वो पड़े हुए हैं। कोशिश करते हैं हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं, आपको और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे नीचे चल के दिखाते हैं कैसा वहाँ का व्यू आ रहा है। तो ये अभी हम आ चुके हैं थोड़ा पीक वाले एरिया में, डैम के बिल्कुल क्लोज हैं, फैमिली सारी यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ से पानी का अच्छा व्यू आप देख सकते हो, ये देखो। और यहाँ से कैपेसिटी देखिए, अभी कितना पानी है, 240 फीट पे, ये मीटर 240 मीटर, सॉरी हाँ 240 मीटर 240 मीटर पे जो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 243 मीटर तक है, आप देख सकते हो। तो अभी 240 का वाटर लेवल थोड़ा कम है, बरसात में वाटर लेवल बढ़ जाता होगा ना, पानी आता होगा, बारिश के समय में बढ़ जाता है, बारिश में बढ़ जाता है, अभी थोड़ा वाटर लेवल कम है इसका। तो जब बारिश आती, हाँ तीन दिन वाली जो बारिश हुई थी उसमें भर गया था पूरा ये। अच्छा अच्छा, जब पानी छोड़ा था तब की वीडियो। ओहो हो हो हो, तो जब यहाँ पे बारिश होती है तो सारा नीचे पानी बहुत अच्छा इसमें फ्लो में चलता है। तो गाइस अब नीचे का नज़ारा देखिए, पानी बिल्कुल अभी स्टॉप है, रुका हुआ है, और आगे जाके वहाँ पानी ये छोड़ा है। तो आगे जाता क्या पानी, किस तरफ निकल जाता है फिर ये जाता है अपना, ये नदी आती है अपनी महतोश नदी, महतोश नदी, महतोश में जाता है ये, वो कोसी में जाता है, कोसी में स्वांगो पट्टी। अच्छा अच्छा, मतलब डिवाइडेड हो जाता है महतोश में कोसी में। तो गाइस जब इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है तो उसको काट दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये महतोश नदी हो गई और जो कोसी नदी हो गई वहाँ पे सारा पानी निकल जाता है। तो अभी हम जरा नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा था गाइस। तो यहाँ से अगर आप फोटोशूट करना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू आएगा, फोटोशूट करा सकते हो। तो नीचे अब हम थोड़ा गार्डन में आ चुके हैं, और जब मैं आपको पानी दिखा रहा था वे देखिए, जब वाटर फ्लो ज़्यादा होता है तो इन जो आप देख रहे हैं डोर्स को, दरवाजों को खोल दिया जाता है, वहाँ से सारा पानी निकल के नीचे आता है। और कितने बड़े बड़े गेट हैं देखिए, अभी तो फिलहाल पानी कम है, पानी ज़्यादा होने पे इसको खोल दिया जाता है और पानी सारा हमारा आगे नदियों में जाके कट जाता है। और ये आगे हमारा गार्डन, छोटा सा गार्डन यहाँ पे बना हुआ है, अभी फूल आए नहीं इसमें। और व्यू देखो गाइस, आप कितना अमेजिंग व्यू ऊपर से आ रहा है, ये देखिए अमेजिंग व्यू आ रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। सो अभी हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ रहे हैं, मैं आपको नीचे और एक्सप्लोर करता हूँ नीचे क्या चीज़ है। सो अब गाइस हम ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ चुके हैं, जो मैं आपको व्यू दिखा रहा था ऊपर से, ये देखिए नीचे हम अपने ग्राउंड पे बिल्कुल, और ये टॉप का व्यू है। अभी तो फिलहाल ये कम है पानी, जब हमारा बरसात का मौसम आता है उसमें वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिलहाल तो इतना वाटर नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है, लेवल कम है अभी। और यहाँ पे भैया कुछ स्टंट्स वगैरह करने वाला, कर दिया। तो यहाँ पे भैया फिर से एक बार करके दिखाएंगे स्टंग अपना। ओह वाओ, अमेजिंग। तो गाइस ये है हमारे उत्तराखंड का गुलाबोल डैम, आपने देखा कितना ज़्यादा अमेजिंग है, कितना ज़्यादा बड़ा है, और मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सुंदर। आप जैसे मेरे पीछे व्यू सारा देख सकते हो, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। और टूरिस्ट देखिए, कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे, मतलब भरा हुआ है बिल्कुल, आपको यहाँ पे आके मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत अमेजिंग लगेगा। एंड गाइस कपल के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, आप कपल हैं तो प्लीज़ आइए विजिट करें यहाँ पे आके। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप इस डैम पे पहुँच कैसे सकते हैं।
आप आते अगर काशीवाली रोड से आ रहे हैं तो आपको सीधा अपना गदरपुर आना है, वहाँ से गदरपुर से आप किसी से भी पूछ लीजिए हमें गुलरबोर साइड में जाना है, तो कोई भी आपको बता देगा गुलरबोर साइड आप कैसे जा सकते हैं। सीधे सीधे रोड है, स्ट्रेट रोड है। तो ये जो डैम हमारा स्पेशली गुलरबोच के अंदर है, अब बहुत अमेजिंग, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब जितनी मैं तारीफ करूँ कम है, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँ पर मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे आके लग रहा है। तो आप भी आना चाहते हो विजिट करो यहाँ पे आके, डैम देखो, डैम की खूबसूरती देखो, और जितना यहाँ पे सरकार ने पैसा लगाया है वो भी देखो, कितना पैसा लगाया सरकार ने, क्या चीज़ करा है। तो गाइस ये कुछ फैंस मुझे मिले हमारे फैंस से, और आप लोग कहाँ से बताओगे कुछ? सौरभ जोशी। ये भाई सौरभ जोशी के यहाँ से, जो हमारे इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर है हल्द्वानी का, तो सारे फैंस हमारे सौरभ जोशी के यहाँ से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। हाँ सब कर दो। ये लोग भी डैम पे घूमने, कैसा लगा डैम? बढ़िया लगा, बिल्कुल बिंदास। तो आना चाहिए विजिट करने के यहाँ पे जी। तो आप लोग क्या विजिट करने के लिए, भाई लोगों हमारा डैम बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज गाइस विजिट करने जरूर आना एक बार। सो फाइनली गाइस अब हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपको मैंने दिखाया अपना गुलरबोर डैम उत्तराखंड का, और प्लीज गाइस एक बार विजिट करो यहाँ पे आके, अमेजिंग प्लेस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं वहाँ पे आपको डेली नई नई चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ दिखाता रहता हूँ, आपके साथ एक्सप्लोर करता रहता हूँ। और अभी मैं कल वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, उस पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा जो आपको दिखाना है। तो वो वीडियो आपने देखना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे गाइस देखो नए वीडियो के साथ, कुछ दिखाएंगे आपको नया, एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। तब तक बने रहो हमारे चैनल पे, टेक केयर, गुड बाय।